सो आई गाइस अनदर सेट फ्रॉम मेजी बाजी और आज हम लोग आए हैं जामा मस्जिद एरिया के पास। सर्दियां ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, जोरों शोरों से दिल्ली वालों को ठंड लग रही है। सर्दियों की वीडियो की स्टार्ट करते हैं हम लोग डेजर्ट से, कुछ बढ़िया सा मीठा मीठा सा खाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारा मीठा खाने वाले हैं। हम लोग खाने वाले हैं शाही टुकड़ा और भी दो तीन और चीज़ें। काला जामुन खाएंगे, काला गुलाब जामुन, सफ़ेद गाजर का हलवा और अलग अलग चीज़ें खाएंगे। तो वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करी तो फटाफट वीडियो जाके लाइक कर दो और कुछ बढ़िया सा कमेंट कर दिया करो यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1। इस जगह के लोकेशन लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हमेशा की तरह। बहुत सिंपल है, जामा मस्जिद एरिया से गेट नंबर 1 से बिल्कुल सीधा आ जाओगे। आपको दो तीन मिठाई की दुकान है बहुत फेमस। आप सोचते हो कि भाई चांदनी चौक की वीडियो दिखाते हैं, जब भी हमेशा डेजर्ट क्यों दिखाते हैं, तो भाई डेजर्ट इतनी सारी होती है चांदनी चौक में, तो क्या करें अभी बने मेरे हिसाब से। तो दो तीन और वीडियो निकल जाएगी सिर्फ डेजर्ट की, तब जाके चांदनी चौक की डेजर्ट कुछ हम लोग ढंग से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, बहुत बातें होगी। खाना स्टार्ट करते हैं, भूख लग रही है। पहले स्टार्ट करते हैं काले जामुन से और लेते हैं दही बड़े। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिया पहली चीज़ अपना, वैसे तो मीठे की वीडियो थी पर कुछ नमकीन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिया हम लोगों ने दही बड़े जिसमें सौंठ की चटनी डाली हुई है। और ये जगह जो है सुल्तान स्वीट से मैंने आपको दिखा रखी है ऑलरेडी, जो जलेबी की वीडियो थी, जलेबी स्पेशल वीडियो, उसमें मैंने आपको इनकी दिखाई थी काली जलेबी। आज खाने वाले हैं काला जामुन बिकॉज सर्दियों का टाइम आ गया। दही बड़े से स्टार्ट करते हैं, कुछ नमकीन से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कमाल, लोग आगे पीछे से नहीं जाएंगे, वीडियो को बीच में से आएंगे। बहुत बढ़िया साउंड का टेस्ट और जीरे का हल्का सा टेस्ट आ रहा है, मीठा दही और बढ़िया बढ़िया एकदम स्पॉन्जी बड़े, मज़ा आ गया। इसको ख़त्म करके मैं लेता हूँ अपना काला जामुन, काली जैकेट, काला जामुन। अभी मैं हूँ रोड के इस साइड और रोड के उस साइड आप देख सकते हैं वो है सुल्तान स्वीट्स। और यहाँ से इधर जाने में ना 5 मिनट लग जाते हैं, इतना ट्रैफिक है। 10 बजे रात के, 9 बजे रात के, संडे रात है, इतना ट्रैफिक है क्या बताऊँ। पर हम लोगों ने अपनी काली जलेबी ले ली है और साथ में यहाँ पे छिपा हुआ है काला जामुन, एकदम काला काला हिसाब हो रखा है, काली करतूतें इस दुकान की। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ली अपनी दूसरी और तीसरी चीज़। काली जलेबी तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ और मेरे को इसका टेस्ट भी पता, क्योंकि आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ तो उनको भी टेस्ट करवा रहा हूँ ये काली जलेबी का टेस्ट। दो महीने में इसका स्वाद बिल्कुल नहीं बदला। अब खाते हैं काला जामुन जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये जो काला जामुन है, दो पीस के लिए इसका प्राइस है 30 रुपये। तोड़ के देखते हैं अंदर से कैसा है। आहा, बहुत ही कमाल का लग रहा है। सर्दियों में बंदा गुलाब जामुन खा लेना, सेट है लाइफ, कमाल की। ये सर्दियों की वीडियो बनने वाली है एकदम कमाल, इसी बात पे कर दो एक लाइक और चलते हैं हम किसी और जगह पे। मैं एंजॉय करता हूँ अपना काला गुलाब जामुन और काली जलेबी, फिर खाता हूँ सफ़ेद
गाजर का हलवा आज होने वाला बहुत अद्भुत खाना। इनक्रेडिबल इंडिया। ये भैया शरबत देने। गोंद का हलवा गुड स्टफ। तभी अब मैं एक चीज़ पीने वाला हूँ जो वैसे तो गर्मियों में मिलती है बट मेरे को दिख गई तो मैंने सोचा पी लेता हूँ। वाटरमेलन और रोबजा की ड्रिंक। वैसे तो समर्स में मिलता है बट कोई नहीं, विंटर्स और समर्स सब एक चीज़ ऐसा हो जाता है। रिफ्रेशिंग, मज़ा आ गया। और अभी जो मैंने आपको गोंद का हलवा दिखाया था ना, थोड़ा सा टेस्ट करा था, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, मज़ा आ गया उसको पी के खा के। और ये वाटरमेलन वाली ड्रिंक कमाल है, मज़ा आ गया, बॉटम्स अप। बहुत ठंडा नहीं हो पाया, ब्रेन फ्रीज हो जाएगा इससे ज़्यादा पिया तो। और सारा एक साथ पीने के चक्कर में मेरा हो गया ब्रेन फ्रीज। सफेद वाला आया नहीं अभी, आया नहीं। कब तक आता है वैसे वो? दिसंबर में। और ये मसालों से बनता है क्या? अभी जाएंगे। इसका नाम बता क्या? अब्सी हलवा। तो अभी हम लोग आए हैं पुरानी दिल्ली में शीरन भवन में। यहाँ पे मिलते हैं दो, एक तो सफ़ेद गाजर का हलवा मिलता है और यहाँ पे काला काला हलवा मिलता है। जो सफ़ेद वाला हलवा है वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट वीक से आएगा। बट ये वाला जो है अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो है काला हलवा, जिसका नाम है हब्शी हलवा। मुझे नहीं पता इसका नाम हब्शी हलवा क्यों है, बट मेरे को बताया गया इसमें बहुत सारे मसाले डलते हैं। ट्राई करते हैं इसको कैसा है। बड़े अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं मसालों को चीनी के साथ खा रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता कैसा एक्सपीरियंस है इसका, पर काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है। ऐसा लग रहा मीठे मसाले खा रहा हूँ। हाँ, कॉफ़ी लेके बड़े उल्टे सीधे टाइप। हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये काला हलवा क्यों है। मेरे को पता चला इसके अंदर लौंग डलती है, और बातों में हमें पता चला यहाँ पे एलोवेरा हलवा भी मिलता है। मतलब कैसे कैसे हलवे मिलते हैं, ट्राई करते हैं। काला हलवा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, अब एलोवेरा हलवा ट्राई करते हैं। ये थोड़ा हेल्दी हलवा होगा, एकदम मिल्क केक जैसा टेस्ट है। ड्राई फ्रूट हलवे, एकदम मिल्की जैसा फ्लेवर आ रहा है, मज़ेदार। तभी हम लोग आए रहे हैं शीरमल भवन से, और वहाँ पे हम लोगों ने खाया हब्शी हलवा, और हम लोगों ने क्या खाया वहाँ पे एलोवेरा हलवा। तो एलोवेरा जैसा आपको पता ही है बहुत ही एकदम हेल्दी फ्रूट है, तो लोग काफ़ी लोग एलोवेरा पीते हैं कि मतलब अच्छे से बॉडी उनकी हेल्दी वगैरह रहे। तो एलोवेरा का हलवे में डाल दिया, और उसका टेस्ट में बिल्कुल भी एलोवेरा नहीं आ रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं डोडा बर्फी खा रहा हूँ, एक तरीके का मिल्क केक खा रहा हूँ। बहुत ही क्रीमी सा और चूई सा टेस्ट था, बहुत पसंद आया। ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले थे, प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव था 700 रुपीज़ का, बट टोटली वर्थ इट। और साथ में हम लोगों ने खाया था हब्शी हलवा जो था काले रंग का, एकदम ऐसा लग रहा था फंगस लगी हुई उस पर, बहुत वियर्ड सा टेस्ट था उसका। और उसका जो साथ में जो टेस्ट आ रहा था ना, आपको ऐसा लग रहा था कि आप अगर लौंग को लेके ना, लौंग का पाउडर बना के उसको आप डाल दो चाशनी में, तो एकदम वैसा टेस्ट आ रहा था। वियर्ड वीडियो बन रही है आज की वीडियो में हम लोगों ने
पहले तो स्टार्टिंग में खाया हम लोगों ने काला जामुन, फिर खाई काली जलेबी, फिर हबशी हलवा खाया। हबशी नाम क्यों रखा है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, इतना वियर्ड सा नाम है। और फिर एलोवेरा हलवा। अब देखते हैं और आगे क्या आगे वियर्ड चीज़ें खाते हैं। अभी तो बस वीडियो की आई थिंक आधी भी वीडियो ही होगी, बहुत सारी लोकेशन कवर कर लिया। वेट करते हैं मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, फिर चलते हैं कुछ और वियर्ड चीज़ खाने। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा सर्दियों का खाना खाया। आप मुझे कमेंट करके बताना कि भाई आपका फेवरेट सर्दियों का खाना क्या है, सर्दियों में आप कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। मेरे को सर्दियों में मूंग दाल का हलवा और पालक दाल पालक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना। आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, सर्दियों में आप बहुत खाते हो। बिकॉज ये थी विंटर स्पेशल सर्दियों की वीडियो, ऐसी और एक दो शायद विंटर स्पेशल और वीडियो आएंगी, बिकॉज सर्दियों में साग भी डालना ज़रूरी है। तो भाई इस वीडियो से एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो से मैं पुरानी वीडियो जो मैंने डाली थी लास्ट वाली वीडियो चंपा गली की, उसके टॉप 5 कमेंट लूँगा जो मुझे सबसे अच्छे लगेंगे और उनको फीचर करूँगा इस वीडियो में। तो आपको भी अगली वीडियो से फीचर होना है तो कुछ बढ़िया बढ़िया सा कमेंट कर दिया करो यार। अभी स्टार्ट करते हैं क्या क्या बढ़िया बढ़िया कमेंट करें आप लोगों ने। और ये मैंने अपने यूट्यूब खोल लिया है, सारे कमेंट्स में एकदम सबसे नीचे चले जाऊँ। अरे वाह बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, चलो ढूंढता हूँ पहले कौन कौन से बढ़िया बढ़िया कमेंट्स फीचर करने हैं। ज्ञानेश जैन कहते हैं बेस्ट फूड ब्लॉगर एवर, यू रियली मेक गुड कंटेंट। थैंक यू सो मच ज्ञानेश जी, तो आप लोगों को सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे तो ये चैनल और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। तो श्वेता जी लिखती है लॉल आई एम अ टी पर्सन टू बट आई नीड कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, बिसाइड्स माई मॉर्निंग कॉफ़ी आई ड्रिंक टी ऑल डे। तो मैं तो सुबह उठ के ना टी पीता हूँ ना कॉफ़ी पीता हूँ, बट मैं जब भी कुछ भी पीता हूँ तो मोस्टली टी ही प्रेफर करता हूँ, बट काफ़ी लोग होते हैं जो कॉफ़ी से दिन स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ सो ट्रू, आई एग्री विद यू। निधि कश्यप पूछती है आपको सिर्फ खाना पसंद है या बनाना भी। निधि जी वैसे तो खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट धीरे धीरे खाना बनाना भी सीख रहा हूँ। अलग अलग चीज़ें मैं खाना बना बना के इंस्टाग्राम पे अपने डालते रहता हूँ, तो अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर रहे हो तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या क्या किचन में खुराफाती हरकतें करते रहता हूँ। तो सयोनी शर्मा लिखती है आई टोटली अंडरस्टैंड आई एम अ टी पर्सन एंड आई लाइक माई कॉफ़ी वेरी लाइट एंड स्वीट बट आई एम लिविंग इन तमिलनाडु राइट नाउ एंड फिल्टर कॉफ़ी हेयर इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर माई टेस्ट। तो अगर आप तमिलनाडु से आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई वहाँ पे कॉफ़ी सही में इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि दिल्ली में जो फिल्टर कॉफ़ी मिलती है ना वो एकदम इतनी स्ट्रांग नहीं मिलती, काफ़ी अच्छी मिलती है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई ये सही में ऐसा होता है। पर सयोनी जी आपको डेली आके कॉफ़ी पीनी चाहिए। रंगोली जैन लिखती है यू शुड ट्राई फोकिंग। फोकिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ रही है, वहाँ पर मैंने फो खाया था, मैंने वहाँ पर और नूडल सूप्स खाए थे एकदम एशियन, बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है, उसकी थोड़ी सी वेट करो आ जाएगी। सो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और फटाफट कुछ बढ़िया सा कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या सबसे बढ़िया स्वीट लगी इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं करा है, ऐसा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वेजिटेरियन कॉन्टेंट आने वाला है। और मैंने सोचा इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना इस वीडियो में हम लोगों ने 10 अलग अलग टाइप की डेजर्ट्स खाई है, और अगर मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट में कर लूँगा ना बहुत लंबी हो जाएगी, और आप लोगों का बहुत रहता है कि वीडियो आप छोटी बनाओ छोटी बनाओ, तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाया ताकि अगली वाली वीडियो आप दोनों वीडियो आराम से इन्जॉय कर सके, और सारी अलग अलग स्वीट्स जो भी मैंने देखी है वो सारी अलग अलग स्वीट्स के जायके आप वीडियो में ही देख के ले सके। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं तन्मय फ्रॉम वेजी पाजी अभी निकलता हूँ किसी और वेजिटेरियन खाने की तलाश में, आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, इन्जॉय एंड स्टे वेजिटेरियन।